रेचल शेली। यकीनन वीडियो देख रहे 80% से भी ज़्यादा लोगों ने ये नाम आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। हालांकि थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आखिर ये रेचल शेली है कौन। जी हाँ, सालों पहले रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म लगान में आमिर खान पर अपना दिल हार बैठी अंग्रेज महिला एलिजाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम रेचल शेली ही है। आप लोग इन्हें भले ही भूल चुके हों, लेकिन ब्रिटेन और हॉलीवुड में ये आज भी मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम है। तो किस्सा टीवी की आज की पेशकश में आप रूबरू होंगे आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान की एलिजाबेथ रसेल यानी रेचल शेली से। रेचल शेली के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प पहलू आज हम और आप जानेंगे। रेचल शेली का जन्म 25 अगस्त 1969 को दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के स्विंडन शहर में हुआ था। हालांकि जब ये छोटी ही थी तभी इनका परिवार लंदन शिफ्ट हो गया था। रेचल ने जब स्कूल जाना शुरू किया था तो उससे लगभग 3 साल पहले ये अपने एक रिश्तेदार के घर माल्टा रहने गई थी और 3 सालों तक वहीं पर रही थी। माल्टा से लौटने के बाद इनके पिता ने हंटिंगटन के एक प्राइमरी स्कूल में इनका व इनके भाई बहनों का दाखिला करा दिया। रेचल अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इनसे बड़ी इनकी एक बहन और 2 भाई हैं। छोटी उम्र से ही रेचल को फिल्मों और टीवी पर आने वाले शोज अट्रैक्ट करने लगे थे। इसका असर ये हुआ कि स्कूल में होने वाले लगभग हर फंक्शन में रेचल ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया और रेचल ज़्यादातर ड्रामा में काम किया करती थी। स्कूली दिनों में शुरू हुआ एक्टिंग को लेकर रेचल का ये जुनून आखिरकार इन्हें प्रोफेशनल एक्टिंग तक ले ही आया। साल 1992 में रेचल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से इंग्लिश और ड्रामा में BA ऑनर्स किया। डिग्री कंप्लीट करने के बाद रेचल ने इंग्लैंड के ही एडिनबर्ग की एक लोकल थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके कुछ समय बाद ही वो थिएटर कंपनी छोड़कर शेफील्ड शहर आ गई और यहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी सेटअप की। यहाँ कुछ महीने बिताने के बाद अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए रेचल लंदन आ गई। साल 1994 में रेचल का प्रोफेशनल एक्टिंग करियर शुरू हुआ और इत्तेफाक से रेचल ने टीवी और फिल्म दोनों की दुनिया में एक साथ कदम रखा। 1994 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म ब्रोकन हार्ट में ये पहली दफ़ा नजर आई थी। फिल्म में इनके किरदार का नाम इसाबेल था। इसी साल ही रॉयस नाम की टीवी फिल्म में भी ये दिखी और इस शो में इनके किरदार का नाम एलेना मैक्सवेल था। एक्टिंग में अपना डेब्यू करने के बाद इन्होंने लगभग 3 सालों तक फिल्मों और टीवी से ब्रेक ले लिया। एक बार फिर से इन्होंने थिएटर की तरफ रुख किया और कई नाटकों में काम किया। उसके बाद साल 1997 में इन्होंने एक बार फिर से फिल्मों और टीवी पर वापसी की। फोटोग्राफिक फेरीज नाम की फिल्म और द न्यू एडवेंचरस ऑफ रॉबिनहुड नाम के टीवी शो से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की दूसरी इनिंग की शुरुआत की। इनकी दूसरी पारी की जो सबसे ख़ास बात रही वो ये कि इन्होंने फिल्मों से ज़्यादा टीवी शोज में काम किया। वायाक्लिफ, बग्स, हाईलैंडर, द बिल, बेडिल सिंड्रोम, हार्टबीट, कपलिंग, क्रूज ऑफ द गॉड, स्पार्कलिंग साइनाइड, मिसमैच, लाइसेंस्ड बाय रॉयल्टी और घोस्ट वर्सिपर जैसे बड़े टीवी शोज में इन्होंने काफ़ी शानदार काम किया। लेकिन इनके पूरे टीवी करियर का सबसे दमदार किरदार था हेलेना पीबॉडी, जो इन्होंने द एल वर्ल्ड नाम के शो में निभाया था और 54 एपिसोड का ये शो साल 2005 से लेकर 2009 तक शो टाइम नाम के एक अमेरिकन टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था और इस शो में ये एक बाईसेक्सुअल महिला बनी थी। इस शो के तीसरे और चौथे सीजन की स्टोरी इन्हीं के किरदार यानी हेलेना पीबॉडी के इर्द गिर्द ही घूमती है। बेशक रेचल अमेरिका और यूरोप में बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन भारत के लोगों ने इन्हें पहचाना साल 2001 में आई आमिर खान की फिल्म लगान से। लगान एक बेहद लोकप्रिय फिल्म थी और रेचल का किरदार एलिजाबेथ रसेल को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। रेचल लगान का हिस्सा कैसे बनी ये कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है।
दरअसल आमिर खान और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर फिल्म में अंग्रेजों के रोल के लिए लंदन में एक्टर्स का ऑडिशन ले रहे थे। रेचल के किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि इंडिया की एक फिल्म के लिए लंदन में ही ऑडिशन चल रहा है। रेचल के लुक्स आमिर और आशुतोष को बेहद पसंद आए। उन्होंने रेचल को एलिजाबेथ रसेल के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद रेचल ने हिंदी डायलॉग्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जो कि उनके लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। पर चूंकि लगान में काम करने से पहले रेचल को 2-3 दफ़ा भारत में आने का मौका मिला था, तो वो हिंदी से थोड़ा बहुत वाकिफ थी, तो यहाँ उनके लिए थोड़ी आसानी हो गई थी। रेचल ने जब लगान साइन कर ली थी तो उनके एजेंट ने उनसे कहा था कि तुम इस इंडियन फिल्म में काम तो कर रही हो, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाएगी। मगर हुआ इसके ठीक उलट। लगान उस साल की सबसे बड़ी हिट भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी इतनी जानदार थी कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। खुद रेचल भी मानती हैं कि लगान फिल्म में काम करने का उनका फैसला एकदम सही था। एक इंटरव्यू में रेचल ने बताया था कि लगान की शूटिंग के दौरान उन्होंने लगभग 4 महीने भारत के भुज शहर में बिताए थे। इससे पहले कभी भी वो भारत में इतने लंबे वक्त तक नहीं रही थी। उनके लिए ये सारा अनुभव बेहद रोमांचक था। चूंकि लगान पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें सिंक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो शुरू में शूटिंग के दौरान कुछ परेशानियां हो रही थी। दरअसल सिंक साउंड टेक्नोलॉजी में फिल्म की शूटिंग के दौरान हर किसी को एकदम चुप रहना पड़ता है, और चूंकि इंडिया में लोगों को इसकी आदत नहीं थी, तो सीन शूट करते वक्त आशुतोष गोवारिकर को बार बार टेक लेने पड़ रहे थे। रेचल कहती हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में स्पॉट बॉय का कॉन्सेप्ट उन्हें काफ़ी अनोखा लगा। हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड से एकदम अलग है। हॉलीवुड में जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्म की यूनिट में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं रखा जाता है। बकौल रेचल, उन्हें जब खबर मिली कि लगान को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, तो उस दौरान वो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में मौजूद थी। ये खबर सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई थी। लगान इसलिए भी रेचल के करियर की सबसे खास फिल्म है, क्योंकि लगान से पहले या लगान के बाद भी उनकी किसी भी फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। रेचल कहती हैं कि उन्हें गर्व है कि वो लगान फिल्म का हिस्सा थी। भले ही लगान ऑस्कर अवार्ड ना जीत सकी हो, लेकिन उस जमाने में किसी फिल्म का ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होना भी ऑस्कर अवार्ड जीतने से कम नहीं माना जाता था। रेचल शेली की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये अपने पार्टनर मैथ्यू पार्खिल के साथ लंदन के नॉटिंग हिल इलाके में रहती हैं। मैथ्यू के साथ रेचल पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशन में रहती हैं। इस जोड़े ने आज तक शादी नहीं की है। मैथ्यू खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं और ये एक टीवी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेचल और मैथ्यू की एक बेटी है जिसका नाम ईडन है। रेचल ने 8 सितंबर 2009 को ईडन को जन्म दिया था। रेचल के करियर के बारे में बात की जाए तो फिलहाल पिछले 2 सालों से इन्होंने किसी भी एक्टिंग प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया है। कहा जाता है कि रेचल इन दिनों अपना सारा टाइम अपनी बेटी को दे रही हैं। रेचल अपने परिवार के साथ हमेशा खुश और सुखी रहें, किस्सा टीवी ईश्वर से ऐसी कामना करता है। साथ ही ये उम्मीद भी करता है कि भविष्य में फिर किसी भारतीय फिल्म में रेचल कोई प्यारा सा किरदार निभाती नजर आए। जय हिंद।